हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू ज्योति जी आई लव। थोड़े दिन पहले मेरी एक जोजियन और बहुत क्यूट यूट्यूबर प्रिंसी फ्रॉम एंग्स कैडबरी का एक वीडियो देखा था। उनसे इंस्पायर होके मैंने ये वाला केक बनाया है। सो इफ यू वांट टू नो हाउ आई मेड दिस ओरियो केक देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू एंकी फॉर शेयरिंग हर ऑसम रेसिपी। सो येस लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने पहले लिया है 18 पीस ऑफ दिस ओरियो बिस्किट। ये आप देख सकते हैं वैनिला क्रीम वाला है। अगर आपको चॉकलेट मिले तो चॉकलेट लीजिए, बट दिस वॉज ऑल्सो इक्वली यमी। 10 रुपीज का ऐसा पैकेट आता है, मैंने 4 पैकेट लिए थे। ये एक्चुअली 20 था बट एक मैंने खा लिया और एक आप देख सकते हैं जिया ने ले लिया था। तो इसको सबसे पहले हम तोड़ के अपने मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसको अच्छे से पीस लेना है, पाउडर कर लेना है बिस्किट को। यहाँ पे जिया भी मुझे हेल्प करने लगी थी बट शी वॉज लिटिल कन्फ्यूज कि इसको खाना है या इसको तोड़ के मिक्सर में डालना है। आई वॉज लाइक नहीं डालो। सो येस उसने ये यहाँ पे मुझे हेल्प कर दिया था। तोड़ के डालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसको अच्छे से पीस लेना है आपके मिक्सर में और पाउडर बना देना है बिस्किट का, ऐसे दिखेगा आफ्टर यू ग्राइंड दैट। इस पे हम लोग ऐड करेंगे 2 स्पून ऑफ पाउडर्ड शुगर। चीनी लेना है यहाँ पे 2 चम्मच पीसा हुआ चीनी, बट मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ले लिया था क्योंकि मुझे उस हिसाब से पसंद है। और फिर अगर आप 20 बिस्किट ले रहे हो तो आप 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लो, लेकिन मेरे यहाँ पे लाइक 18 बिस्किट्स थे, 2 हम लोग ने खा लिए थे, तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 से थोड़ा कम ये बेकिंग पाउडर। यस और इसको अच्छे से मिक्स कर लो। आप देख सकते हो यहाँ पे बिस्किट के थोड़े लम्स मुझे दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने सोचा नहीं मुझे और एक बार इसको अच्छे से पाउडर करके पीसना पड़ेगा, तो मैंने इसको और एक बार ग्राइंड कर लिया था और पीस लिया था, तो ऐसा पाउडर दिख रहा था। अब इस पे वी आर गोइंग टू ऐड 1 कप ऑफ मिल्क। 1 कप दूध आपको यहाँ पे मिलाना है। अच्छे से यहाँ पे मिला लीजिए इसको और फिर इसको अच्छे से और एक बार पीस लेना है हम लोग के मिक्सी में। पीसने के बाद ट्रस्ट मी आपका पूरा रूम ओरियो के जैसे स्मेल करेगा, एंड ओरियो इज जियास फेवरेट बिस्किट, तो स्पेशली मैंने उसके लिए बनाया था। इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। अभी इसको हम लोग को डालना पड़ेगा एक बर्तन में, बट उस बर्तन में पहले से थोड़ा सा बटर या तेल जो भी आप प्रेफर करते हैं आप लगा लीजिए अच्छे से, ताकि ना चिपके ना जले। तो ये लगा लिया है। प्लीज़ डोंट जज माई बर्तन, तो ये वाला वेसल या फिर मेरा कुकर को, क्योंकि जस्ट इसके पहले मैंने और एक केक बेक किया था यहाँ पे बैटर डाल के बस इसको डैप कर लीजिए ताकि सेटल हो जाए। एक कुकर में आप एक ऐसा स्टैंड ले सकते हैं, अगर आपके पास स्टैंड नहीं है एक पतला प्लेट छोटा बाटी जो आप प्रेफर करते हो वो रख ले नीचे, और ये जो बर्तन है बैटर वाला इसको इसके अंदर डाल दीजिए और फिर कुकर का जैसा ढक्कन लगाते लगा लेना है। उसके पहले बस जो रिंग है उसको निकाल ले और जो कुकर का सीटी है उसको निकाल के अच्छे से यहाँ पे बंद करके रख लीजिए। इसको अभी आप 5 to 10 मिनट्स पहले एकदम फास्ट वाले तेज आंच पे पकाएं और उसके बाद पूरे स्लो आंच में पकाइए। एक टूथपिक डाल के आफ्टर हाफ एन आवर आप चेक कर सकते हो हुआ है या नहीं हुआ। एक्चुअली मैंने किया था, वो पार्ट डिलीट हो गया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और फिर आफ्टर 30 to 40 मिनट्स थोड़ा ठंडा करने, जब हो जाए ठंडा करने के लिए बाहर रखें। 10 मिनट ठंडा करने के बाद इसको चाकू से थोड़ा सा इसके एजेस पे ऐसा कर ले ताकि केक आसानी से बाहर निकले। इसको उल्टा कर ले और डैप कर लीजिए कपड़े से 2 बार ताकि वो आसानी से निकल जाए। एंड ताड़ा है, हम लोग का ओरियो केक इज रेडी। ये बहुत सॉफ्ट और इतना यमी होता है, ब्राउनी टाइप आपको लगेगा ये, बट मुझे मालूम है दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द केक, बट आई लाइक टू कीप इट दिस वे। ये जो क्रंचीनेस है ये ऊपर आए मुझे वही पसंद है, और मेरा गार्निश में भी ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे एक पेपर को हार्ट शेप में काट के इसके बीच में ऐसे रखने वाली हूँ, और जो पाउडर्ड शुगर मेरा लेफ्ट हुआ था उसको पूरे केक पे स्प्रिंकल करने वाली हूँ ऐसे। अभी आप देखेंगे नॉट ओनली हार्ट बट आप कोई भी शेप आपको जो चाहे आप कुछ लिखना चाहते हो आप उसको रख लो पेपर में काट के, और बस ऊपर से पाउडर आप शुगर स्प्रिंकल कर दो ऐसे करके, और उसके बाद आप आराम से ये जो पेपर है इसको निकाल दीजिए और मन चाहा डिज़ाइन यू विल गेट। दिस वॉज स्पेशली फॉर जिया, मैंने उसके लिए वैलेंटाइन में बनाया था तो इसीलिए मैंने हार्ट शेप प्रेफर किया। आपने देखा था वो नॉर्मल प्लेट में था, और ये मेरे पास एक केक का जो प्लेट होता है वो ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैं इसको ट्रांसफर करने वाली हूँ यहाँ पे, एंड इट विल लुक लाइक दिस, जो बहुत सुंदर दिख रहा है। अब आप इसको और गार्निश करना चाहते हो तो आप कैडबरी को ग्रेट करके डाल सकते हो, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो। मैंने जिया के लिए बनाया था तो मैंने किटकैट का भी 2 छोटा किटकैट मिलता है वो ले लिया था। यहाँ पे मैंने ज़्यादा डेकोरेट किया नहीं है बिकॉज आई एम वेरी बैड एट डेकोरेटिंग, तो ये है। बट आप बाद में इस पर कैडबरी स्प्रिंकल कर सकते हो जैसे चाहे, यू कैन डिज़ाइन इट एंड यू कैन एन्जॉय दिस केक। सो येस दिस वॉज अ ईजी पीजी रेसिपी। आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ यू डिड सो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप। ऑल्सो सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है। बाय, थैंक यू।